हम लोग प्रिय परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 137वीं जन्मदिवस इस प्रांगण में हम लोग पालन कर रहे हैं। आज सुबह से हम लोगों को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन जो मातृ सम्मेलन में सुन रहा था, चर्चाएं हो रही थी अभी, कौशिक और को भाई, कौशिक भाई, सोभी भाई लोग इतने कम उम्र में ठाकुर जी की जो मूल भाव है उसको उन्होंने इस तरह से मननशीलता के साथ हमारे बीच में उपस्थापित किया। मुझे और भी उन लोग से सुनने का मन हो रहा था। चर्चा के क्रम में सोभी घोष जिन बिंदु पे अपनी चर्चा को समाप्त किया, वहां से मैं अपनी चर्चा को थोड़ा सा प्रयास करता हूं चर्चा को आगे बढ़ाने की। आज जो आलोच्य विषय है श्री ठाकुर की जीवनीय शिक्षा, यही तो श्री ठाकुर की जीवनीय शिक्षा। शिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा किए। ठाकुर जी का जो आंदोलन का जो तीन स्तंभ है उसमें एक शिक्षा भी एक अंग है, लेकिन उस शिक्षा के साथ हमारा जो पारंपरिक जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ पूरा पूरी तालमेल नहीं खाता है। ठाकुर जी को जो शिक्षा है वो है पूरा मानव जाति को तैयार करने की शिक्षा, उसमें व्यापकता और ज्यादा है। ठाकुर जी के एक जगह कह रहे हैं क्राइसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था में समस्या कहाँ है, ये सवाल पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि शिक्षा में आइडियल इंप्लीमेंटेशन का कमी है, आदर्श की प्रतिष्ठा का स्थान शिक्षा व्यवस्था में नहीं है, यही है शिक्षा व्यवस्था की कमी। ये है क्या? हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं जन्म के बाद से ही, जन्म के समय से ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं? अभी जो शोभिक चर्चा कर रहा था वो काफी सुंदर चर्चा कर रहा था, हमारे अंदर में है क्या? हम रहना चाहते हैं, बहुत अहम बात का ही है। ठाकुर जी का जो विचारधारा का मूल विषय वही है, हम रहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट। दुनिया का सृष्टि से आज तक का जो भी क्रमिक विकास हुआ है वो ये रहने की इच्छा के बदौलत ही हुई है। और ठाकुर जी ये भी कहते हैं, हम लोग ईश्वर ईश्वर कहते हैं, ईश्वर है कौन? ईश्वर सभी वस्तुओं में, जीवन और नॉन लिविंग्स सारे वस्तुओं में एग्जिस्टेंशियल आर्च के रूप में है, अस्तित्व रक्षणी आवेग हुए प्रतिटि वस्तुर मध्य रहे छे, हर एक वस्तु के अंदर ये एग्जिस्टेंशियल आर्ज है। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि ईश्वर सर्वभूत है, सभी जगह पर ईश्वर है, मतलब ये रहने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा के रूप में सारी जगह पे ईश्वर है। तो ये जो इच्छा है, मेरे अंदर में भी इच्छा है, हम भी अच्छा रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मुझे करना क्या होगा? हमको उसके लिए अपने परिवेश के ऊपर आधिपत्य विस्तार करना होगा, अर्थात परिवेश को हम कैसे अपने जीवन के अनुकूल ला पाए, यही हमारे प्रचेष्टा इच्छा रहती है। और शिक्षा इसी बात को एड्रेस करता है। शिक्षा मुझे विभिन्न फैकल्टीज ऑफ नॉलेज को मेरे सामने में रिवील करता है, लेकिन समस्या जो ठाकुर जी इंगित किए हैं यहां पर, समस्या क्या है? वो इंटीग्रेटेड नहीं है, उसको हम जीवन के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, हम लोग जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वो कॉम्पार्टमेंटल नॉलेज हम लोग इंपार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट, एक बच्चा अगर बायोलॉजी पढ़ रहा है, बायोलॉजी के साथ जीवन का क्या संबंध है, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का क्या संबंध है, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है, बायोलॉजी के साथ हमारा दैनिक जीवन का क्या संबंध है,
सदाचार का क्या संबंध है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का क्या संबंध है, नहीं पता। लेकिन वो बायोलॉजी का मास्टर है, डॉक्टर भी बन गया है, अभी बताया। यहीं पर आइडियल का जरूरत होता है, आइडियल सेंट्रिक एजुकेशन, जहां पे आइडियल आ जाएंगे। आइडियल मतलब क्या, आदर्श मतलब क्या, हु हैज फुल अथॉरिटी ऑफ ऑल फैकल्टीज ऑफ नॉलेज, सारे ज्ञान का पूर्ण आधिपत्य जिस व्यक्ति में, वही है ईश्वर, ईश्वर का प्रति भगवान। जिनके अंदर ये आधिपत्य जितना ज्यादा है वो उतने बड़े भगवान है। ईश्वर एक हो सकते हैं लेकिन भगवान का विभिन्न समय विभिन्न रूप भगवान के रूप में आते हैं उनकी, इसलिए उनके अंदर में एक प्रेम रहता है। हर एक व्यक्ति को जो भी मेरे पास में है या मेरे करीब नहीं भी है, उनको हम बचाए, उसके अंदर जो एग्जिस्टेंशियल आर्ट है उसको हम सुरक्षित रखे, क्योंकि वो भी बचना चाहता है, मैं भी बचना चाहता हूं। अगर वो सही नहीं बचेगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। एक पिता का जो आवेग है बच्चे के लिए, एक माता का आवेग जो बच्चे के लिए है, क्यों है, केवल इंसान में नहीं। दो दिन पहले मैं एक छोटा सा एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में दिखा रहा है, यह प्राय आप लोग देखते होंगे, एक चिड़िया एक घोंसला में, मादा चिड़िया घोंसला में उड़ के आई और अचानक बारिश शुरू हो गया, बस बारिश शुरू होने वाली है, एकदम छोटी सी उसका जो बच्चा एकदम छोटा सा है, जैसे माँ ये तो अपना चोच खोल के वो सोचे कि खाना देने के लिए आई है, जैसे करती है बच्चे लोग एकदम छोटे छोटा। तुरंत जाके देखे खाना को क्या, वो पूरा पूरा उसके ऊपर वो बैठ गई और कवर करके, अब तेज बारिश शुरू हो गया। वहां पे लास्ट में लिखता है जो वीडियोग्राफर, सी द मदर्स लव, क्यों वो कर रही है, उसके अंदर ये चेतना आया कहां से, एग्जिस्टेंशियल आज उसको बचने की इच्छा है, उसको वो शिक्षा मिल गया है वहां से कि मेरा बच्चा हम है, मैं ही हूं, इसको बचाएंगे तो हम मैं रख। पूरा बारिश में वो भीग रही है बच्चे, वो मादा जो है चिड़िया, और बच्चा को एकदम घेर के रखा है, पूरा अपने अंदर में डाल दिया। मैं देख के आंसू आ गया कि ये फीलिंग सबके अंदर में ये भावना है। ठाकुर जी अगर इसी को यही भावना परम पिता जिसको होता है उनके सबको बचा के बचने की भावना उनके अंदर में पूर्ण रूप से जागृत होता है। एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक बार सत्संग में आश्रम में एक व्यक्ति थे भोलानाथ दा, आम लोग हैं हम लोग, कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, कभी अभिमान करते हैं, फिर उसको रिपेंट करते हैं, फिर उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, लेकिन आउट ऑफ इमोशन कभी कभी अपने करीब लोगों से भी गुस्सा कर बैठते हैं। भोलानाथ दा आश्रम के एक ही गुरु भाई को काफी डांट फटकार किए, डांटे नहीं, उनको पीटने के लिए उनके पीछे दौड़े, कुछ ऐसा घटना कुछ घट गया था आपस में, लाठी देख उनके पीछे दौड़े थे पीटने के लिए। जो भी हो ये खबर ठाकुर जी तक पहुंचा, तो एक दिन उसी समय थोड़ी देर बाद भोलानाथ दा उधर आ रहे थे, ठाकुर जी बोल रहे थे कि भोलानाथ दा क्यों सुनिए अपना नाम है। भोलानाथ दा घबरा गए, बोले भोलानाथ दा आपके बारे में मैं क्या सुन रहा हूं। भोलानाथ दा समझ गया कि ठाकुर जी की बात पहुंच गया है। भोलानाथ दा आगे आके आए, बोले आपने किया क्या, आपसे तो ऐसा हम उम्मीद नहीं करते, आप इतने पुराने ऋतिक है। अपनी गलती को एहसास हो गया, हाथ जोड़ के ठाकुर सामने खड़े हो गए, ठाकुर जी मैंने तो गलती किया है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने गलती तो कर दी, अब क्या करूँ मैं। अब देखिए परमपिता के कैसे उसको ट्रीट करते हैं, बोले सांघातिक काज करे फेले, बहुत बड़ा गलती कर लिया था आपने, महा अन्याय होगा इसमें, बहुत भयंकर कुछ घटित हो सकता है इससे आपके साथ, आप आइए इसको रिपेंट कीजिए, मुझे गाल में थप्पड़ मारिए। ये क्या बोले ठाकुर जी, हां आपको मानना होगा, नहीं तो जो अपराध आपने किया है उससे मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। बोलना तो बोले मैं ये नहीं कर सकता, नहीं बहुत बड़ा गलती है, अपराध आपको करना ही होगा। बोले होने दीजिए अपराध, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। अपना के कुर्ते ही हवे, आपको करना ही होगा। जब जागो जी जोर से बोले, तब बोले तो अब तो ये इष्ट का आदेश है, स्वामान्य नहीं करना किया जा सकता है। तब वो धीरे धीरे ठाकुर जी के पास नजदीक में आए, घुटने टेक के ठाकुर जी के सामने बैठे,
वहाँ पे गाड़ू में पानी था, पानी से हाथ को धोए और धीरे 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 ठाकुर जी के चेहरे से ऐसे करके हाथ को लेके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करके निकल गए। चेहरा एकदम शांत हो गया, वो बुद्धिमान थे। ठाकुर जी बोले कि मेरे गाल में थप्पड़ मारो और कान मोलो मेरा, ये बोल बोले कान कान मूले हमें गाले थप्पड़ मारून। तो धीरे से वो क्या किए ऐसे करके हाथ लेके जान, आई एम द फूलिश फादर ऑफ फॉलन सन, अपने मन में दुख होके बोले, बोले आपने बार बार करे बार बार करके आप लोग किस तरह से बोलते हैं, आप इसका हमारी बात को ध्यान नहीं देते हैं, इसकी इस ये अन्याय से अज्ञाने से आप ये जो काम कर दे रहे क्या परिणाम हो सकता है आप जानते हैं। ठाकुर जी को क्षमा कर दिए, एक तरह से सेल्फ रिपेंडेशन उनके अंदर में डायल, फ्यूचर में कभी वो करेंगे नहीं, जिस दिन वो ऐसा गुस्सा आएगा तुरंत ठाकुर जी की बात याद करेंगे हमने क्या किया। जिसको हम परम पिता पुरुषोत्तम मानते हैं उनका उनका उन्होंने अपने अपने मेरे हाथ से थप्पड़ लिया, कान ऐठवाया। एक जी एक गुरु भाई आगे ठाकुर जी को बोल रहे, ठाकुर जी हम तो इष्टवृत्ति अब ठीक से कर नहीं पाते हैं, छूट गया है और जो इष्टवृत्ति का पैसा था वो भी हमने खर्चा कर दिया, कि सर्वनाश कर लेन, क्या सर्वनाश हमने कर दिया, परम पिता के दया से जो मिला है जानते हैं इसका क्या परिणाम है, क्या फायदा है आपको, जीवन में कितनी दुर्घटना है, कितनी समस्या से आप इस इष्टवृत्ति के माध्यम से उतर गए, आपको पता है, मुझे पता है। परम पिता के दान को आपने इस तरह से अस्वीकार किया, क्यों है ऐसा? ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं? बाहर में तो बहुत प्रचार है, ये अनुकूल चंद्र जी है वो पैसा लेने का बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा कर दिया है, ये पैसा नहीं है, ये जो दीक्षा के बाद आवेग से जो अपने कष्ट अर्जित जो भी है वो जो उनके इष्ट के पैर में निवेदन करते हैं, आपका सिस्टम में चेंज हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम चेंज हो जाता है, जन्म जन्मांतर का जो ग्लानी है वो दूर हो जाता है, बड़े बड़े पाप से आप मुक्त हो जाते हैं, भाग्य परिवर्तन हो जाता है, वृत्ति नियंत्रण हो जाता है। मुझे पता नहीं मैं कहां हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं, कितनी सारी ग्लानी हमारे अंदर में है, लेकिन ठाकुर जी दया से कर रहे जो उन्होंने दिया, उनसे जो हमको शिक्षा मिला, जो जीवनी आचरण मिला, वो हमको कहां से कहां तक अनजाने में अनोइंगली आई एम गोइंग टू द डिवाइन स्टेट, इसको सभी चर्चा कर रहा था, चेतना का चरम स्तर में हम धीरे 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 पहुंच जाते हैं। उस दिन हम लोग रांची के सत्संग में हम लोग पिछले दिन चर्चा कर रहे थे इस विषय में, एक गुरु भाई हमारे सामने बोले यही घटना तो मेरे साथ हुआ है, उसको मैं ये बहुत वो व्यक्ति वहां बैठे हुए थे सच्चिदानंद जी जानते हैं उनको, वो बोल रहे थे कि मैं पटना से रांची आ रहा था, बस में मेरे लिए एक सीट बुक की हुई थी, मैं वहां बैठने गया तो वहां पे और एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बोला नहीं मैं है, और नहीं मेरे पास टिकट है, बोला मेरा मुझे भी यही टिकट दिया गया, मैं यहाँ बैठूंगा, तो उन्होंने बोले चलिए ठीक है, तब आप अगर इतना ये जो कंडक्टर है वो भी आ गया, बोले भैया आपको इधर सीट देते तो इनको छोड़ दीजिए, ये बहुत चोर कर रहे हैं, आपको दूसरा सीट देते हैं, ये चलिए चलो ठीक है भाई। रास्ते में वो बीच रास्ते अंधेरे मैंने मिडनाइट में भयंकर एक्सीडेंट किया, बस उसमें 5 से 6 लोग मारे गए, और जहां पे वो उनको बैठना था वहां पे वो व्यक्ति का भी निधन हो गया, और ये कुछ खड़ोज ने बोले हम बस से निकल के दूसरा बस पकड़ के हम लोग निकल आए। तो हम लोग बोले कि ये तो अपनी स्थिति का फल है, ठाकुर जी तो ऐसे कहें, और विज्ञान भी इस बात को मानता है, साइंस कहता है कि हमारे जब हम सृष्टि हमारी होती है, जन्म जब होती है, हमारे अंदर में एक ऐसा मेकानिज्म है जो हमें हमेशा मुझे अलर्ट करता है टू एग्जिस्ट एंड टू इवॉल्व, एंड वी गेट इंपल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, बाहर से मुझे प्रेरणा मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए ईश्वरीय प्रेम, जो सृष्टि है एग्जिस्टेंशियल आर्ट है, वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखना चाहता है, जैसे वो मादा चिड़िया अपने बच्चे को बचाए रख रही थी, ईश्वर हमको बचाना चाहती है, वो मुझे प्रेरणा देती है, इंपल्स देती है, बट हम ले नहीं पाते हैं,
इसलिए ठाकुर जी बोले जजन जजन इष्टमित्र, रोज करो, रोज करो, निष्ठा रूप से करो, नाम ध्यान ठीक से करो, सो दैट यू कैन रिसीव माई इम्पल्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एवरी टाइम इट इज रिक्वायर्ड विल रिसीव माई इम्पल्स, मेरा मैसेज तुम तक पहुंचेगा। ठाकुर जी से ऐसा सवाल पूछा गया, बहुत रिलेवेंट सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। इतना बड़ा एक्सीडेंट के बारे में आप बोले, जहाज डूब गया, इतने लोग मर गए, सब लोग ईश्वर ईश्वर बचाइए, गॉड सेव मी, गॉड सेव मी, क्या गॉड का दिल दुखा नहीं? कुछ लोग सेविंग जो ये है लाइफ जैकेट से निकल गया, लेकिन बाकी लोग तो डूब गए। ठाकुर जी बोले पता लगाओ, बहुत लोगों का टिकट होने के बावजूद भी वो जहाज में चढ़ नहीं पाए थे। ईश्वर सब तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता है, अपना संवेदन पहुंचाना चाहता है, अपनी मैसेज पहुंचाना चाहता है, बट लेकिन जो ले नहीं पाता है उसके लिए ईश्वर लाचार है, कुछ नहीं कर सकते हैं, जगन्नाथ हाथ नहीं है, जो उसको पकड़ लिया वो उसको वो छोड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपने से किसी को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वो मौका सबको देते हैं, यही दीक्षा है मौका। ईश्वर ने पुरुषोत्तम को हमारे बीच में भेजे हैं टू सेव द मैनकाइंड, वो संप्रदाय बनाने के लिए नहीं आते हैं, किसी जाति के लिए नहीं आते, किसी भाषा भाषी के लिए नहीं आते हैं, दुनिया के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए आते हैं, पुरुषोत्तम का वह निश्चय यही होता है। इसलिए हमारे बीच में सांप्रदायिक विभेद का कोई स्थान नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर व्यू पॉइंट, धर्म एक है, ईश्वर एक है, प्रेरित पुरुष मन एक ही वार्ता भाई, वंदे पुरुषोत्तम।